vivo series phone yes vivo v30 series

थर्टी और दूसरा है वी थर्टी प्रो जिसमें जायज दे रखा है तो फटाफट से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं यार काफी स्मूथ अनबॉक्सिंग है यार है ये देखो क्या बात है ऊपर की साइड में भाई फोन दे रखा है आहा आहा इसमें अलग ही सुकून है यार ओ हो 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 क्या बात है ये है न्यू डिजाइन विवो वी सीरीज का देखने में काफी कूल लग रहा है स्पेशली जो बड़ा सा और लाइट है खैर अभी बात करेंगे इसके बारे में और बॉक्स में देखते हैं भाई क्या है ओ हो oh, क्या बात है ट्रांसपेरेंट केस है क्वालिटी रिसेंट लगी यार ये वारंटी गाइड और क्विक गाइड है ये चार्जर है टाइप ए टू टाइप सी केबल ओ हो 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 असली माल हमारा फेवरेट ऊह यंत्र वो भी दिल की शेप में तो भाई बॉक्स में इतना

ज्यादा नहीं होना चाहिए ओ भाई 190 91 ग्राम देख रहे हो गेस करने का तरीका इतना क्लोज गेस किया भाई जो फोन है 7.45 एमएम mm थिन है और अगर आपको पतले फोन पसंद है ना डेफिनेटली आपको ये फोन पसंद आएगा पतले के मामले में बहुत ही स्लिम फोन है लाइट वेट है ग्लास बैक है ग्लॉसी फिनिश दे रखा है अच्छा ये लगा भाई फिंगरप्रिंट के निशान नहीं आते हैं एंड वी थर्टी में ये मैट फिनिश दे रखा है एंड ये भी काफी लग रहा है। वीवो ने इस फोन के कलर को नाम दिया है अंडमान ब्लू और ये है भाई आइसलैंड ऑफ अंडमान इन हैंड फील के मामले में सुपर 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 प्रीमियम फील होता भाई। इंची, एक अल्ट्रा क्लियर, 3D दे रखा है भाई। में साथ और ट्वेंटी एट हंड्रेड इट्स की पीक ब्राइटनेस दे रखी है थर्टी और वी थर्टी प्रो दोनों में

लगेगा ना भाई ये वाला फोन लेने के बाद मतलब। <laughs> ब्राइटनेस है सुपर ब्राइट है चाहे इंडोर में आप यूज कर रहे हो आउटडोर में यूज कर रहे हो विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है प्रोटेक्शन के लिए इसमें शॉर्ट सेंसेशन अल्फा कवर ग्लास है चलो यार एक बार गिराते हैं डबल ड्रॉप टेस्ट करते हैं भाई वन टू थ्री हुआ तो कुछ नहीं वैसे हाँ यार, टेम्पर्ड ग्लास ये थोड़ा सा डबल सा गया इस बार बैटरी की गई है अस्सी वोट की चार्जिंग के साथ लास्ट ईयर लास्टी नाइन सीरीज में एमएच बैटरी था इस बार उस बैटरी को बढ़ा के एमएच कर दी गई है बैटरी बढ़ाने के बावजूद भी भाई इन्होंने फोन को मोटा नहीं कराया स्लिम किया गया है इनफैक्ट आप इसको पांच हजार एमएच वाला स्लिमेस्ट फोन बोल सकते हो भाई एंड इसका जो चार्जर है एटी वोट का भाई ये करीब फोर्टी एट मिनट से लेके फिफ्टी मिनट के आसपास जीरो टू हंड्रेड परसेंट फुल चार्ज कर देता है इसके बैटरी को लेकर आपको चार साल तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वीवो ने कहा कि इसके चार्जिंग को सिक्सटीन हंड्रेड टेस्ट किया है कुछ नहीं हुआ तो मतलब आने वाले चार साल तक भाई बैटरी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वीवो आठ जी रैम दो सौ छप्पन स्टोरेज मिलेगा बेस वेरियंट इसका एक हायर वेरेंट भी है बारह जीबी दो सौ छप्पन जीवी एलपी डी डर फाइव एक्स रैम और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है वी थर्टी और थर्टी प्रो में विवो वी थर्ट का जो बेस वेरियंट है वो एट जी बन ट्वेंटी जीबी स्टोरेज के साथ आएगा एलपी डी फोर एस राम होगा और यूएफ़ टू पॉइंट टू स्टोरेज टाइप होगा तो लेटेस्ट रैम लेटेस्ट स्टोरेज आपको चाहिए प्रो के साथ आपको जाना चाहिए

अब देखता भाई ओके हैप्टिक वाइब्रेशन है हैप्टिक वाइब्रेशन थोड़ा सा हार्ड है वैसे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी इसमें बढ़िया काम कर रहा है देखो कोई दिक्कत नहीं है बात करते हैं इससे कैमरे के जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ टेस्ट करने के लिए ट्रिपल कैमरा सेटअप है फिफ्टी मेगा पिक्सल का मेन ऑटो फोकस ओआईएस कैमरा विद सोनी आई एक्स नाइन ट्वेंटी सेंसर दूसरा फिफ्टी मेगा पिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा है सोनी आई एम एक्स एट वन सिक्स सेंसर के साथ और तीसरा फिफ्टी मेगा पिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और फ्रंट में फिफ्टी मेगा पिक्सल का आई ऑटो फोकस सेल्फी कैमरा ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन देखो तो भाई फ्लैगशिप लेवल के लग रहे हैं फ्लैगशिप लेवल का सेंसर

प्रो पहला स्मार्टफोन है सीरीज में और जो दूसरा चेंज है लास्ट बारह मेगा पिक्सल आठ मेगा पिक्सल था उसको बढ़ा के वीवो ने पचास पचास मेगा पिक्सल कर दिए हैं एक बार कैमरा ओपन करके भाई इंडो लाइटिंग कर लेते हैं इसमें आपको पॉइंट ऑप्शन है यहाँ है, है, पर ओके, 1X में फोटो लेते हैं काफी वाइड है यार ये फोटो लेते लाइटिंग कंडीशन में क्या बात है बढ़िया फोटो है काफी शार्प फोटो क्लिक किया यहाँ पर स्किन टोन को काफी अच्छा मैनेज है एक लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से देखो भाई शर्ट का कलर हल पिंकिस टाइप का उसे एज इट इज रखा यार और यहाँ पे देखो ये फ्लावर्स थोड़ा सा रेड है तो उसे रेड रखा है भाई काफी नेचुरल पे स्किन टोन देने की कोशिश की यार मतलब वीवो ने जो जायस के साथ किया भाई में नोटिस होता है क्लोज टू तो नेचुरल फोटोज आते हैं भाई एक सेल्फी लेते हैं वैसे यहाँ पे पॉइंट एट सेल्फी भी है देखो और ये टू एक्स पी है भाई सेल्फी भी देखो ये तो काफी ज्यादा व्हाइट है और यहाँ पे सेल्फी भी भाई जो आउट ऑफ फोकस है डिटेल्स देखो यार सेल्फी में क्या बात है स्किन टोन वेल बैलेंस रखा है यहाँ पर ज्यादा सेचुरटेड भी नहीं है और अंडर एक्सपोज या ओवर एक्सपोज भी नहीं है भाई भाई तोड़ा निकल के आया है। एक नाइट मोड में फोटो लेके देखते हैं ओ, क्या बात है एक ये हो गया और एक ट्राई और लाइट ट्राई करते हैं एक बार क्या बात है भाई लो लाइट भी बहुत तगड़ा निकल के आया ये देखो लो लाइट में भाई जो नॉइज है खत्म ही कर दिया उसे ऑलमोस्ट आपको नॉइज बिल्कुल भी नोटिस नहीं होता ये ये देखो अगर आप करके देखते हो हल्का सा पे ब्लर कर दिया है बट अगर आप स्किन पे आ भाई, ये देखो देख के लगी नहीं ना भाई ये लो लाइट में फोटो ली गई है इसके अलावा हमने इस फोन के कैमरे से बहुत सारे फोटोज लिए है भाई हर लाइटिंग कंडीशन में इंडोर आउटडोर लाइट कंडीशन में शाम के टाइम पे जो फोटोज निकल के आए हैं इस फोन के कैमरे से वाह भाई जायज के आ जाने से वी सीरीज का जो कैमरा है ना वो नेक्स्ट लेवल चला

पर भाई ग्राफिक्स तो एकदम स्मूथ है ऐसे कोई लैग नहीं है ये देखो अरे पीरो मनोसारो है यहाँ पर भाई भाई स्मूथ ग्राफिक्स है यार मतलब पीरो गेम प्ले आप दिखाना चाहते हो इजीली दिखा सकते हो भाई इसमें एक बार जायरो ऑन करके खेलते हैं भाई जायरो का रिस्पांस भी बहुत अच्छा दे रहा है ये देखो लाइक लेफ्ट राइट एक एम का रिकॉइल संभाल सकते हो ऐसे देखो जायरो से वे... इसमें हीटिंग कंट्रोल के लिए अल्ट्रा लार्ज स्मार्ट कूलिंग सिस्टम भी है मतलब आप गेमिंग खेलते हो बहुत देर तक डिवाइस अगर हीट होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए स्मार्ट कूलिंग सिस्टम लगाया लगाएगा यहाँ पर आप लोगों के सामने अगर मल्टीटास्किन टेस्ट कर लेते हैं मैंने सारे एप्स को क्लोज कर दिया ये प्ले स्टोर ओपन करते हैं के सीरीज फोन में अभी तक मैंने जितने भी टेस्ट किए हैं जनरली मैंने देखा है भाई स्मूथ मल्टीटास्किन आपको देखने को मिलती है देखो स्मूथ हो रहा है जो भी एप्स ओपन आप कर रहे हो ये देखो चाहे वो क्रोम जैसे हैवी एप्स हो गए भाई स्मूथली ओपन हो रहा है मल्टीटास्ककिंग भी स्मूथ है इसमें परफॉर्मर्स में भाई कोई दिक्कत नहीं है डे टू लाइफ यूज में मल्टीटास्किन करोगे इवन अगर आप स्मूथ हैवी गेमिंग करोगे वो भी इजिली कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको बाकी बैंड वाईफाई है सारे 5G से है, नहीं है और सारे इसके okay, साथ आपको तीन साल का ओ अपडेट और चार साल का सिक्योरिटी मिलेगा तो अपडेट्स भी अच्छे हैं लेटेस्ट एंड्रॉइड है, लेटेस है। बाकी जो यू है एकदम क्लीन है और अगर आप जाते हो तो भाई एक दो ब्लॉटवेर मिल जाएंगे जैसे कि भाई ये स्नैपचैट कौन यूज कर स्मार्टफोन मैं जितना भी मैंने टेस्ट किया इस बार वी से मैं पे लेके चला जाता है इस बार काफी अपग्रेड किए गए हैं जिसे डिस्प्ले को बढ़ा वन पॉइंट के कर दिया है कैमरे में अपग्रेड कर दिया भाई चाहे वो पोर्ट्रेट कैमरा हो अल्ट्रा वाइड हो हाइयर रेजोल्यूशन यहाँ पे यूज की गई है और सबसे बड़ी बात इस बार जायस एड किया गया है और इफेक्ट जब आप कैमरा यूज करोगे एक्चुअली में आपको नोटिस होगा बाकी इस बार फोन को स्लिम तो रखा है लेकिन इसके साथ ही बैटरी को बढ़ा दी गई है इसके थिकनेस से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया Vivo ने फोन देखने में ब्यूटीफुल प्रीमियम फील होता है अभी भी एंड Vivo V सीरीज में जो एक प्रीमियमनेस फील होती है भाई उस प्रीमियमनेस को बरकरार रखा है Vivo V30 Pro में सो so इन सभी को अगर मुझे एक लाइन में बोलना है यस yes, Vivo ने इस बार काम किया है V सीरीज में V29 Pro के कंपैरिजन में डेफिनेटली Vivo V30 Pro में या 30 सीरीज में एक अपग्रेड है आपको फील होगा

बताना मैं पढ़ूंगा बाकी वीडियो को शेयर कर दो यार मिलता हूं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड स्टे सेफ